हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेवल स्पीड की नई वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका निखिल। दोस्तों, आज की जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लोकेशन है। दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई इस लोकेशन का पार्ट लेकर आओ। दोस्तों, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए मैं आज यहाँ पर आ गया हूँ दोबारा। दोस्तों, सबसे पहले जिनको यहाँ की स्टोरी नहीं पता, जिन्होंने यहाँ के पहले पार्ट नहीं देखे, उनके लिए मैं स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में करके बता देता हूँ। यहाँ की जो दोस्तों स्टोरी है वो ये है कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा, काफ़ी बड़ी ज़मीन है। किसी टाइम पे यहाँ पे एक इंसान था, मतलब एक आदमी था, जिसके दो लड़के थे। एक लड़का तो उसका खुद का था, एक लड़का उसका सौतेला था। जो छोटे वाला भाई था वो सौतेला था, जो बड़े वाला था उसका खुद का लड़का था दोस्तों। और वो जो आदमी था, मतलब जिसके दो लड़के थे, वो करता था नशे, मतलब दारू वगैरह बहुत ज़्यादा पीता था। किसी टाइम पर उसकी मौत हो गई थी। जो पीछे उसके दो लड़के बचे थे, उनको ये था कि भाई ये जो ज़मीन है पूरा, बहुत बड़ा ज़मीन है, वो किसके पास जाएगी। जो छोटा लड़का था दोस्तों, वो थोड़ा शरीफ था, मतलब वो लालची वगैरह नहीं था। बड़े वाला लड़का था लालची। जो लड़का था दोस्तों बड़े वाला, उसको दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये डिवाइड होगी, मतलब ज़मीन का बंटवारा होगा, तो दोनों में बराबर होगा। पर उसको ये अंदर ही अंदर दिक्कत थी उससे कि ये जो ज़मीन है ये बहुत बड़ी ज़मीन है दोस्तों। इसकी उस टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़मीन है दोस्तों। अभी आपको व्यू दिखाऊंगा पीछे करके, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कितनी बड़ी ज़मीन है और क्या मतलब आपके। दोस्तों, अभी मैं लोकेशन थोड़ा दूर ही खड़ा हूँ, आवाज़ें वगैरह आ रही है। और दोस्तों, पीछे गाना चल रहा है, वो बहुत दूर है दोस्तों, कि फंक्शन वगैरह चल रहा है, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना दोस्तों। मेन लोकेशन यही है, रीज़न उसका यही था। जो भी यहाँ पे एक जो छोटा भाई था, जो सौतेला लड़का था, उसकी फैमिली को यहाँ पे मार दिया गया था इस ज़मीन के चक्कर में। बड़े भाई ने, जो भी उसका सौतेला भाई था, पर उसने ज़मीन के चक्कर में उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पे मार के, जो लोकेशन पर अभी आपको आगे जाकर दिखाऊंगा, वहाँ पे दफना दिया था इसी ज़मीन के अंदर। उसके ऊपर 5 पेड़ लगा दिए थे ताकि उसको पता रहे कि मैंने यहाँ पे उनकी लाशें दफनाई है, और किसी को और बाहर के बंदे को पता ना चले कि यहाँ पे उसने ऐसा कांड किया हुआ है। तो दोस्तों, कहते हैं कि तब से लेके अब तक वो जो 5 लोग यहाँ पे दफनाए गए थे, पूरी फैमिली, वो अभी तक यहाँ पे इस लोकेशन की देख रेख करती है। और जो जिन्होंने उनको मारा था, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी कुछ दिनों बाद। और दोस्तों, आज तक पता नहीं हुआ, मतलब पता नहीं चला, क्लियर नहीं हो पाया कि उनकी मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, कहते हैं कि तब से लेकर अब तक यहाँ पे उनकी आत्माएं भटकती है, इस जगह की देखरेख करती है। यहाँ पे किसी को आने नहीं देती, ना किसी को कब्जा करने देती है, ना यहाँ पे कुछ बनने देती है। दोस्तों, ये थी यहाँ की स्टोरी, इसी करके ये जगह पूरी की पूरी हॉन्टेड है। दोस्तों, फिर से हम आपके लिए लोकेशन लेकर आ गया हूँ, देखते हैं आज क्या होता है मेरे साथ। दोस्तों, आज कुछ अलग करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, बने रहना वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अभी बैक कैमरा ऑन करूँगा मैं, बने रहना वीडियो में। तो दोस्तों, यही है वो लोकेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यही है वो ज़मीन जिसके पीछे सारा काम हुआ था। यहाँ पे मर्डर हुए थे दोस्तों, मार दिया गया था लोगों को, बेकसूर लोगों को। और सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ की ज़मीन देखो कितनी बड़ी ज़मीन है। दूर दूर तक यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा खेत है ये, बहुत बड़ा। ये देख लो भाई व्यू। और दोस्तों, एक बात आपको बता दूँ मैं, वो जो आपको दूर लाइटें दिख रही है, वहाँ पर अक्सर अंधेरा रहता है। आज वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह चल रहा है, कोई प्रोग्राम वगैरह, उसकी आपको गाने में फ़ोन में आवाज़ रिकॉर्ड भी हो रही होगी गाने वगैरह की। तो दोस्तों, थोड़ा उसको इग्नोर करना। ये दोस्तों लोकेशन पे सामने आपको दिख रहे होंगे 5 पेड़ जो एक साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल अभी उस लोकेशन के पास जाऊंगा, और पूरी बहुत ज़्यादा दोस्तों हॉन्टेड लोकेशन है ये। अभी दोस्तों मैंने कैमरा स्टार्ट किया था, पता नहीं क्या दिक्कत थी दोस्तों, फ़ोन में स्पेस पूरी पड़ी है। पर ऐसा पहली बार हुआ हमारे साथ कि जैसे ही मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, इस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, वैसे ही कैमरा अपने आप कट हो जा रहा है, ऑटो कट हो जा रहा है, ऑटो कट हो जा रहा है। दोस्तों, ये पता नहीं हैरान करने वाली बात थी, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। शायद वो लोकेशन की वजह से, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा भारी है, यहाँ पे काफ़ी सारी आत्माएँ हैं एक साथ में शायद, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। सामने दोस्तों वो पेड़ दिख रहे हैं आपको, यही है वो पूरी लोकेशन, देख लो। ये देख लो भाई, कुत्ते भौंकने शुरू हो गए हैं पूरे के पूरे। पता नहीं यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरा, पता नहीं यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरा, पता नहीं यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरा फ़ोन ऐसा बार बार, मतलब 5-6 बार हुआ होगा ऐसा कि यहाँ पे मेरा फ़ोन अपने आप ऑटो कट लग रहा है। जैसे मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, अपने आप कट लग जा रहा है। अब दोस्तों ऐसा करता हूँ, इस लोकेशन की तरफ पास जाता हूँ मैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, पहले तो मैं यहाँ से माफ़ी मांग लेता हूँ
देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ मौजूद है, मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। भाई कुत्ते भौंकने स्टार्ट हो गए हैं, अगर इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो गई तो। ये देख लो भाई, पीछे भी कैमरा करके दिखा देता हूँ मैं, पीछे भी पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। ये देखो, ये सामने लोकेशन है, पूरा दूर दूर तक खाली है भाई, वो कोई नहीं है यहाँ पर। ये देखो, ये है वो दोस्तों पांच पेड़। पहले भी दोस्तों हम यहाँ पे आए हुए हैं, आपने वीडियो देखी होगी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो भी यहाँ पे चीज़ें मौजूद है, जिनकी आत्मा यहाँ भटक रही है, इस टाइम मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि ओए भाई ये क्या था ऊपर, भाई ऊपर ना बहुत बड़ी चीज़ थी, इंसान की जितनी बड़ी चीज़ इस पेड़ के ऊपर, पता नहीं क्या था भाई, एक चीज़ इस टाली से इधर को गई है चीज़ ऐसे। कौन है यहाँ पर, उसे कुछ पानी वगैरह यहाँ पर रखा गया है, ठीक है भैया, शायद किसी ने यहाँ पे खुदाई करने की कोशिश की है, कुछ खड्डा वगैरह हो रखा है पेड़ के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों ये पानी रखा गया है, और आगे भी यहाँ पर भी पानी, ये देख लो, और यहाँ पे कुछ कपड़े, मतलब पता नहीं क्या है, रजाई वगैरह कंबल वगैरह कुछ है जो कि यहाँ पे पड़े हैं, जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे दोस्तों तब ये नहीं था, और एक पेड़ ये है दोस्तों इसके साथ का, ये देख लो, दोस्तों थोड़ा दूर रहता हूँ पेड़ों से, तो पहले तो मैं आपसे माफी, मांगता हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, हम पहले भी यहाँ पर आए हैं, आज मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ आपको देखने के लिए, आपको समझने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। भाई हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, ओ भाई वो लास्ट पेड़ के पास कोई था यार, अरे भाई कसम से यहाँ पे कोई था यार। दोस्तों एक काम करता हूँ, पहले मैं थोड़ा पीछे आता हूँ यहाँ से, भाई 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 ये क्या था यार। दोस्तों पहले तो मैं सबसे पहले उनकी मुक्त आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे मोमबत्तियाँ दोस्तों लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे जला देता हूँ, पहले तो पांच पेड़ा दोस्तों, पांच पेड़े के लिए मैं यहाँ पे एक एक मोमबत्ती जलाऊंगा उनके सामने, एक मिनट निकाल लूँ मैं जेब में से, यह की पांच मोमबत्ती, ये देखो भैया। तो दोस्तों अब मैं इसको यहाँ पे, ये पांच पेड़ है, एक दो तीन चार पाँच, इनके आगे आगे एक एक करके जलाऊंगा दोस्तों, ताकि उनको लगे कि यहाँ भी उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उनको कोई नुकसान पहुँचाने में यहाँ पर नहीं आया। दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं कैमरा यहाँ पे लगा देता हूँ पहले, है ना, बैग रख देता हूँ, बैग के साथ में कैमरा लगा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत ख़तरनाक लोकेशन है ये, कुछ भी कैप्चर हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर देखता हूँ मैं कुछ रिकॉर्ड और कैमरा यहाँ रख देता हूँ, ये पाँच मिनट है ना, एक मिनट दोस्तों कैमरा सेट कर दूँ मैं, यहाँ पर ठीक होगा शायद। दोस्तों मैंने देख लिया है, हल्का सा मुझे दिखा कैमरा यहाँ पे लग रहा है ठीक है, तो दोस्तों ये पांच मोमबत्ती है मेरे पास, इनको मैं इन पांच पेड़ों के आगे जलाऊंगा उनकी आत्मा की शांति के लिए,
ताकि वो चीज़ मेरे पे कोई अटैक वगैरह ना करे। अभी एक आवाज़ आई है, अगर रिकॉर्ड हो रही हो दोस्तों। एक बात और बोलूँ फिर से मैं, ये कोई दूर कोई फंक्शन चल रहा है, कोई पार्टी वगैरह चल रही है, उसकी गाने की आवाज़ आ रही है, तो आप दोस्तों हेडफोन लगा के सुनना। अभी एक जस्ट आवाज़ आई है बिल्कुल क्लियर, वो भी रिकॉर्ड हुई होगी। तो दोस्तों मैं लगाता हूँ पहले मोमबत्तियाँ, फिर आपसे बात करता हूँ। क्या हुआ भैया, कैमरा अपना पी रहा है और एक हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है दोस्तों। एक मैंने मोमबत्ती वहाँ लगाई थी, वो बुझ गई साथ के साथ, एक मैंने वहाँ लगाई है, हल्की चल रही है, दोबारा लगाता हूँ पहले मैं जल्दी जल्दी। भाई ये क्या हो रहा है यार, भाई कैमरा फिर से गिर गया, देखो भाई यार। ये देखो मैंने एक मोमबत्ती यहाँ लगाई थी, एक वो रखी है, वही बुझ गई यार। शायद भाई यहाँ पे कोई चीज़ है, जो भी चीज़ यहाँ पे है वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे मोमबत्ती लगाऊँ। वो देखो ओ भाई, ओए भाई ये देखो, अभी बनती मोमबत्ती अपना जली है, ये बिल्कुल कैमरे के सामने, कोई कट नहीं है दोस्तों। अभी मैंने कैमरा यहाँ किया था, बिल्कुल मोमबत्ती बंद थी ये। इसको जाता मैं, चल गया दोस्तों। अभी देखो ये भी चल रही है, पर हवा अभी भी चल रही है। तीसरी मोमबत्ती दोस्तों यहाँ लगाता हूँ मैं, वही चीज़ है भाई जो मुझे रोक रही है। भाई यार दो तीन बार यहाँ पे कैमरा और बंद हो गया दोस्तों, देख लो कट लग रहा है दोस्तों वीडियो में बार बार। मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो चीज़ है दोस्तों, यहाँ पांच लोगों की आत्मा जो भटक रही है दोस्तों, वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर भी और रुकूं। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पर रुकूंगा थोड़ी देर और, एक बार दोबारा से दोस्तों इसको जलाना पड़ेगा। आगे बढ़ता एक बार, कौन है वो भाई? ये देखो बिल्कुल सामने, ये अभी यहीं पे खड़ा हूँ मैं। देखिए मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ यहाँ पर, आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आया, आपकी मुक्ति के लिए। ये जो मैं मोमबत्ती यहाँ पे जला रहा हूँ, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ ना आपकी जगह को नुकसान होगा। मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हूँ, अगर आप मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हो तो मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। जल्दी से दोस्तों फटाफट से मोमबत्ती लाऊँ मैं, ये क्या हो गया इसको,
इसको पता नहीं क्या हो गया भाई, चल गई चल गई। ये क्या ये क्या ये क्या भाई, बिल्कुल कमरे के सामने। अब दोनों मत जल रही है, देखो ये बिल्कुल सामने मैट उड़ा है अपने आप ऊपर को, देखिए आप मेरे साथ। अगर आप कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में, आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। एक मिनट भाई, तीन मोमबत्ती तो चल रही है, तीन मोमबत्ती जला दी मैंने, ये सेकंड लास्ट है, ये भी जल गई है। और ये देखो जल गई जल गई जल गई, वो देखो वो सब मोमबत्ती जल रही है। इसको क्या होगा, ठीक है। देखिए मैं आपसे यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया हूँ, एक मिनट रुको दोस्तों। वो कौन है पीछे भाई, अभी मेरे कान में किसी ने बात करी है, कुछ बोला मेरे कान में, एक मिनट दोस्तों। आपके द्वारा मैं उस चीज़ से बात करूँगा यहाँ पर। यार ये मच्छरों ने बहुत तंग करा हुआ, तो भाइयों ये देखो, देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आप मुझे अपने मौत के बारे में कुछ बता सकते हो कि आपकी मौत यहाँ पे कैसे हुई थी, किसके कारण हुई थी। मुझे जो बताया गया है कि आपकी मौत यहाँ पे इस जगह की वजह से हुई थी। आप मेरे पास आके बता सकते हो मुझे कि अभी यहाँ पर कितनी आत्माएं हैं जो मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है। मैंने आपके लिए मोमबत्ती जलाई है आपकी आत्मा की शांति के लिए। भाई दो मोमबत्ती यहाँ पे बुझ चुकी है, एक वो कोने वाली एक ये वाली, बाकी तीन मोमबत्ती यहाँ पे जल रही है, एक दो और ये तीन। ओ, 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 कौन है पीछे भाई, किसी ने खींचा मेरे को भाई, हवा चलने शुरू स्टार्ट हो गई है। देखिए मुझे पता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ यहाँ पर। ओ, ओ, ओ भाई क्या कौन है, ओ भाई यार ये कदम बिल्कुल बात चीख की बात आई है भाई, है भगवान जय हनुमान ज्ञान मुन सागर। क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो कि आप यहाँ पे क्या चाहते हो, मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ इतनी रात को। भाई मेरा ना सर भारी होने लग गया है, पता नहीं क्या हुआ है। एक तो ये चीख आई दोस्तों मेरे बिल्कुल पीछे से, भैया क्या था यार, भाई मुझे लग रहा है ना वो चीज़ नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रुकूं। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हूँ, बस अभी चला जाऊँगा। क्या आप बिना नुकसान पहुँचाए मेरे सामने आ सकते हैं? अभी भी वहाँ पे रिप्लाई आ रहे हैं, एक बार मैं पांच जगह बात करता हूँ। जनमन गन सागर चेक पिस्तुर लोग सागर, देखिए क्या आप मेरे बिना नुकसान पे मेरे सामने आ सकते हैं? क्या आप बिना नुकसान पे मेरे सामने आ सकते हैं? वही तो से आवाज आई यार, किसी चलने की बिल्कुल क्लियर आवाज आई यहाँ से।
भाई फिर से मेरे कान में आवाज़ आई फिर से पीछे से, ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान में कुछ बोला। देखिए मैं आपको यहाँ पे देखने के लिए आया था, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी जगह पर रुकूं, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से आपकी जगह छोड़ के यहाँ से। भाई मुझे लगता है मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। आपकी जगह छोड़ के दोस्तों मैं सॉरी आपकी जगह छोड़ के मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप मेरा पीछा मत करना। भाई जगह मेरे को लग रहा है नुकसान पहुँचाएगी, मेरे को निकलना चाहिए यहाँ से। मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। भाई मेरा सर भारी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो भाई फिर से यहाँ से आवाज़ आई यार, बिल्कुल क्लियर यहाँ से आवाज़ आई है, ऐसा लगा कि फिर से किसी ने मेरे कान में कुछ बोला है। देखिए अगर आप कुछ भी मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में या अपने कुछ कुछ भी मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे कर सकते हो, पर बिना नुकसान पहुँचाए मेरे कैमरे के सामने। अगर आप कैप्चर होना चाहते हो, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। भाई दिल धड़कने निकले बहुत ज़्यादा तेज। मैं अभी आपके लिए कुछ छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ से, वो मेरा बैग पड़ा सामने।